अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है वो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए जो है मैंने तकरीबन 2.25 मीटर का जो है वो फैब्रिक लिया है। और उसको मैंने सबसे पहले जो है वो कनी वाली साइड से लंबाई में डबल फोल्ड किया इस तरह से, और उसके बाद इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखा, ठीक है, क्योंकि हम इसका बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ काटेंगे। तो इसमें इसको कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से प्रेस करके रख दिया है। अब मुझे जो है वो लेंथ लेनी है सबसे पहले ट्राउज़र की। तो लेंथ के लिए सबसे पहले जो है मुझे रेडी लेंथ जो है वो ट्राउज़र की 39 इंच चाहिए, तो 4 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। और इसके लिए मुझे 43 इंच का जो है वो कपड़ा चाहिए लंबाई में। और आप जितना भी जो है आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है जितना आपको रेडी ट्राउज़र चाहिए तो उसमें आप 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच नेफे में फोल्ड होगा और 2 इंच जो है नीचे मोहरी में फोल्ड होगा। तो सबसे पहले जो है हम जो है वो 2 इंच का निशान लगाएंगे नेफे के लिए। इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब जो है मुझे ट्राउज़र की जो है रेडी लेंथ 39 इंच चाहिए, तो ये नेफे के निशान के बिल्कुल नीचे रख के जो है मैं 39 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपने अपने हिसाब से लेना है। इन निशानों को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लूंगी। अब जो है वो ये 2 इंच मेरा नेफे में फोल्ड हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे ट्राउज़र की रेडी लेंथ है। अब मैं वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। वेस्ट के लिए ये होगा कि आपको इंची टेप अपने हिप के अराउंड पकड़ना है इस तरह से गोलाई में। मेरी हिप जो है वो 42 इंच है इस तरह से, तो उसको जो है अपने 4 पे डिवाइड करना है। अब ये 42 इंच को मैं 4 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 10.5 इंच आ जाएगा, और 10.5 इंच के अंदर जो है वो 2 इंच का जो है वो मैं मार्जिन ऐड करूंगी सिलाई का मार्जिन, तो मेरे पास आ जाएगा 12.5 इंच। तो मैं अपने वेस्ट के लिए जो है 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब जो है मैंने आसन के लिए निशान लगाना है। आसन के लिए भी आप अपने हिप का साइज लें, हिप के साइज को 4 पे डिवाइड करें और उसके अंदर 1 इंच का जो है वो मार्जिन का ऐड करना है, तो उस लिहाज से मेरे पास 11.5 आता है, तो मैं इस तरह से 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब चूंकि इस लाइन को जो है मैंने बिल्कुल स्ट्रेट करना है, तो यहाँ से भी जो है मैं 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो अब जहां तक ये 2 निशान आपस में क्रॉस कर रहे हैं मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर लूंगी। अब यहां से जो है मैं 2.5 इंच एक्सटेंड करूंगी इसे। अब मैं आसन की गोलाई दूंगी, ये तकरीबन 1 इंच के जो है ऊंचाई पे जो है मैंने गोलाई देनी है। अब मैं बॉटम के लिए निशान लगाऊंगी। बॉटम के लिए मुझे रेडी बॉटम 6 इंच का चाहिए, तो 2 इंच एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करूंगी, तो 8 इंच में निशान लगाऊंगी। ट्राउज़र में ये होता है कि आपका जो है वो ट्राउज़र तकरीबन 8 इंच तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, और 8 इंच के बाद जो है आप इस तरह से कर्व देते हैं। अगर इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला लूँ तो ये शलवार की शेप देगा, तो इस वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पे 8 इंच तक निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 8 इंच ले लूंगी ताकि लाइन सीधी आ जाए। अब जहाँ पे ये 2 लाइन क्रॉस कर रही है हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस निशान को इस निशान के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से कर्व शेप देंगे। अगर आपके पास कर्व फुटा नहीं है तो आप हाथ से भी इसको इस तरह से कर्व शेप दे सकते हैं। इंची टेप को भी पकड़ के आप हल्का से इसको कर्व शेप दें। अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए वहाँ पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे ताकि वो नीचे वाले लेयर्स पे भी जो है ये निशान आ जाए। हमारे ये नेफे की साइड जो है वो बंद है, तो हम इसको इस तरह से खोल देंगे। ये हमारे इस तरह से खुल गई है। ये ऊपर की जो 2 तहें हैं ये हमारे फ्रंट पे आएंगी, क्योंकि ये हम साइड का कट नहीं दे रहे, इस वजह से ये फ्रंट की 2 तहें हमारी फ्रंट पे आएंगी। कि ऊपर की 2 तहों को हम थोड़ा सा आसन ज्यादा काट देंगे। ये फ्रंट के आसन को हम थोड़ा सा ज्यादा काट दिया, और यहाँ पे ऊपर से भी हम इसको थोड़ा सा स्लोप देंगे। इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो ट्राउजर है वो पीछे की तरफ नहीं खिंचेगा और आगे की तरफ रहेगा, इसलिए हम जो है फ्रंट वाले 2 पार्ट्स को इस तरह से ज्यादा काटते हैं। ये इस तरह से हमने इसको खोल दिया है दोनों पार्ट्स को। यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला कम हिस्सा कटा हुआ है, ये वाला कम हिस्सा कटा हुआ है, तो हम इनको इस तरह से पकड़ के
ये हमारे फ्रंट पे आएंगे और हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों को इस तरह से सिलाई लगाएंगे और ये दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे और इस साइड से इन दोनों को इस तरह से बराबर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी आसन की जो है इस तरह से हमने आसन को जो है इस तरह से जोड़ दिया है, इस साइड से भी हमने ऐसे जोड़ दिया है। अब जो है हम बॉटम जो है वो बनाएंगे। बॉटम में ये है कि अगर आपने सादा बॉटम बनाना है पहले आधा इंच फिर डेढ़ इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ले तो आपके सादा बॉटम जो है वो रेडी हो जाएंगे। और अगर आपके पास जो है वो ट्राउजर जो है उसकी लेंथ कम हो रही है तो आप जो है वो दो इंच का अलग से कपड़ा काट के इसके साथ इस तरह से अटैच कर ले और उसके बाद उसको पीछे की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लें। लेकिन ये है कि मैंने अपने जो है 5-6 में जो है वो डिजाइनिंग करनी है तो इस वजह से मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले जो है मैं अपने बॉटम को जो है वो 2-2 इंच जो है वो कट कर लूंगी। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। दूसरे 5-6 से भी जो है हम 2 इंच का जो है इसी तरह कट करेंगे। अगर आपके पास जो है वो ट्राउजर जो है उसकी लेंथ जो है वो कम है तो आप यहाँ से कट ना करें, आप जो है अलग से पट्टी जो है 2 इंच की कट करके रख लें। लेकिन ये है कि मेरे ट्राउजर की लेंथ जो है वो ज्यादा है तो इस वजह से मैं यहीं से ही कट करूंगी। ये हमारी 2 पट्टियां कट गई हैं, हम इसे साइड पे रख देते हैं। हमने ये जो 2 इंच की जो है पट्टियां काटी थी इसके लिए हम जो है बकरम काटेंगे, स्टिक से चिपकने वाला बकरम। इसकी लंबाई तकरीबन 15.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। हम 15.5 इंच की लंबाई लेंगे और चौड़ाई में तकरीबन 1.25 इंच लेंगे। इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है तो हमने इस तरह दोनों साइड से फोल्ड करना है तो हम 1.25 इंच लेंगे। हमें 2 पट्टियां काटनी है तो एक और पट्टी भी इस तरह से काटेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को हम इनके ऊपर जो है वो प्रेस लगा देंगे। दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बॉटम में डिजाइन बनाने के लिए मुझे इस तरह से एक चिपकने वाला बकरम चाहिए होगा। बॉटम में डिजाइनिंग के लिए जो है मुझे इस तरह से एक शेप की जरूरत है, जो इस तरह का कोई भी आपको ढक्कन मिल जाए तो आप इसकी मदद से बना लें। इसको हाफ जो है ढक्कन का जो है हाफ किसी भी पेपर पे रख के इस तरह का शेप ड्रॉ कर ले। अब इसको मैं कट कर लूंगी। इस तरह से इस तरीके से चिपकने वाला बकरम लूंगी और सबसे पहले जो है वो 5-6 की जो है मैं वन लेंथ चेक करूंगी। तकरीबन 15.5 इंच है, 15.5 इंच लंबा जो है वो एक स्ट्रिप लूंगी। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन मैं 2.25 इंच लूंगी। इस तरह की 2 स्ट्रिप्स काटूंगी। ये हमारी स्ट्रिप्स इस तरह से कट गई हैं, अब हम इसको शेप देंगे। अब मैं इसके ऊपर ये वाला शेप जो हमने इस तरह से काटा था अब इसके ऊपर हम जो है इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारे डिजाइन की कटिंग हो गई, अब हम इसे किसी भी कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे इस्त्री की मदद से। ये प्रेस हो गया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए। ये हमारे एक साइड का कपड़ा है, इसके ऊपर फोल्ड करने के लिए दूसरा पीस भी हम काटेंगे। दूसरा पीस बिल्कुल इसके बराबर काटेंगे। कपड़े का सीधा साइड इस तरह आप अंदर की तरफ रखेंगे और इसका भी सीधा साइड अंदर की तरफ, यानी दोनों सीधे साइड अंदर की तरफ रख के हम इन दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, ये कैनवास पेपर के बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी सिलाइयाँ इस तरह से हो गई है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेंगे। ये सिलाई के बिल्कुल पास पास हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते जाएंगे और सारा कट कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई पे कट ना लगे, सिलाई से ऊपर ऊपर हम कट लगाएंगे। अब हम इसे सीधी तरफ पलट देंगे। अब जो है हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और दूसरी सिलाई जो है यहाँ पे लगाएंगे हम। इसको दोनों साइडों से जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे, जितना हमारा जो है वो जितना हमारा बकरम है उतना हम इसे फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड से भी उतना ही हम फोल्ड करेंगे, जितना एक साइड से हुआ है उतना दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। ये हमारी पट्टी है जो हमने अलग से बनाई, और ये जो है हमारे ट्राउजर का बॉटम है। ट्राउजर की उल्टी साइड को इस तरह से रख के पट्टी को जो है इस तरह से हम इसके साथ जोड़ देंगे। सिलाई बकरम के बिल्कुल पास पास लगाएंगे। इससे इस पट्टी को हम ट्राउजर के सीधी साइड मोड़ देंगे। इसको इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पट्टियां जो है इस तरह से बॉटम के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया। ये इसकी सीधी साइड है और दूसरे बॉटम की भी इस तरह से सिलाई हो गई है। ये पट्टियां भी अलग से बन गई। अब हम इन दोनों पट्टियों को इस तरह के स्टोन से इसको जोड़ेंगे। आप इसकी जगह जो है कोई पर्ल भी ले सकते हैं, सर की पर्ल्स भी ले सकते हैं, थोड़े बड़े साइज के और इस तरह के छोटे साइज की भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इस पट्टी का मिट निकालेंगे और बॉटम का भी मिट निकालेंगे। अब सबसे पहले बीच में हम लगाएंगे। हम इस तरह से स्टोन्स लगाते जाएंगे। ये हमारे स्टोन्स इस तरह से लग चुके हैं। अब हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। फाइनल सिलाई में ये होगा कि हम मोहरी से स्टार्ट करेंगे। मोहरी आप जितना भी रखना चाहें, मैं 6 इंच रखूंगी तो मैं 6 इंच पे निशान लगा के इन दोनों को इस तरह से बराबर करते हुए ऊपर तक लेकर आऊंगी सिलाई, और दूसरी मोहरी की भी यहाँ से किनारों को बराबर करते हुए मैं ये आसन की तरफ लेकर आऊंगी। और आसन की ये जो दो सिलाइयाँ इनको भी इस तरह से बराबर पकड़ के सिलाई लगानी है। आगे अगर कपड़े की ऊंच नीच हो जाती, कोई कपड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो आप इतने छोटे छोटे से इस तरह से फोल्ड्स आसन की तरफ जो है वो देख के इसको इस तरह से बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनके निशान लगाएंगे। ट्राउज़र जो है वो तकरीबन 5 से 8 इंच तक जो है वो स्ट्रेट सिलाई आती है उसकी, तो सबसे पहले जो है मैं 8 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब इस 8 इंच तक जो है हम 6-6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये 8 इंच तक हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये 8 इंच के बाद जो है हम इसको इस तरह से आसन तक कर्व शेप देंगे। आप ऐसे हाथ से भी कर्व शेप दे सकते हैं और स्केल की मदद से भी दे सकते हैं। दूसरी साइड से भी आप इस तरह से निशान लगा के अब इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं हम। ये हमारी जो है वो मेन सिलाई इस तरह से हो गई है। दोनों पांचों की इस तरह से सिलाइयाँ हो गई है। नेफे के लिए ऊपर से हमने 2 इंच जो है वो छोड़ा था, तो उसमें सबसे पहले हम 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम 1.5 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से फोल्ड हो गया है। अब हम तकरीबन 2 इंच इसको इस तरह से ओपन छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए और पूरे अराउंड जो है इसकी सिलाई फेर देंगे। ये हमारे नेफे की स्लाइस तरह से हो गई है। ये आगे से मैंने तकरीबन कोई 2 इंच का खुला छोड़ा हुआ है। अब हम जो है इलास्टिक इसके लिए काटेंगे। इलास्टिक के लिए जो है आप अपने कमर के अराउंड जहाँ पे आप आपके ट्राउज़र का इलास्टिक आता है इस तरह से इंची टेप पकड़ लें। मेरी जो है वो तकरीबन 28 इंच है कमर इस तरह से, तो 28 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो मैं 25 इंच का इलास्टिक काटूँगी। आपकी कमर जितनी भी आती है आप उसमें से 3 माइनस करें और जो बचता है उतना ही इलास्टिक काटें। मैं तकरीबन 25 इंच का इलास्टिक काटूंगी। अब इस तरह की एक पिन की मदद से आप इलास्टिक को जो है वो नेफे के अंदर डाल दें। अब सबसे पहले इन दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ के हम इसको स्टिच कर लेंगे। इन दोनों किनारों को इस तरह से जोड़ दिया है। अब हम नेफे के अंदर इलास्टिक को इस तरह से सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले ये 2 इंच जो है हमने इस तरह से ओपन छोड़ा था इसको सिलाई लगाएंगे और इसके बाद इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए इसके बीच में पूरे राउंड जो है सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा ट्राउज़र जो है वो बन के रेडी हो गया है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये इसका बॉटम है।